हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, अभी हो रहा है सुबह का टाइम 7:30-8 बज रहा था। तो सुबह सुबह मेरा जो सबसे पहला काम होता है ना, नहाना। तो नहा के मैं आ गई हूँ किचन में। आज कुछ यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। हाँ, हम लोगों का, सभी का, सुमन का, मेरा, मम्मी पापा सभी का साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है, तो मैं इडली बनाने जा रही हूँ। और ये जो बर्तन है ना, ये मेरा नहीं है, मैं घर गई थी फ्राइडे को, घर गई थी तो मैं घर से लाई हूँ। तो मैंने सोचा अगर अच्छा हो तो मैं खरीद लूँगी। तो अभी फ़िलहाल लाई हूँ, देखती हूँ कैसा होता है, अगर अच्छा लगे तो मैं और एक खरीद लूँगी। तो इसमें ना थोड़ा सा पानी था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल देके इसको अभी रख दी हूँ। और ये जो चावल दाल, आप लोग जो इडली बनाते हो, आप लोगों को पता ही है कि ये किस तरह से बनता है। और अगर अच्छा बने ना तो मैं एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगी इसका रेसिपी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा सोडा, नमक, अगले दिन जिस दिन बनाऊँगी उससे पहले दिन भिगो के पीस के इसमें थोड़ा सा नमक और सोडा दे के रखी थी। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूँगी और देखती हूँ किस तरह से होता है। तो इधर मैंने बर्तन बैठाया है, उसमें पानी थोड़ा सा उबलने के बाद ही मैंने, पहले ना ये बड़ा वाला दे दिया था, तो ऐसा नहीं होता है, पहले छोटा वाला देना होता है, एक साइज़ में है, तो उसके बाद ये बड़ा वाला। तो अभी मैं ढक्कन ढक के इसको हाई फ्लेम में पकाऊँगी 10 मिनट तक। तो देखती हूँ किस तरह से होता है। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम लोग चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने कढ़ाई में कोई भी ऑयल भी नहीं दिया था, इसमें सिर्फ 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, और मैं इसमें दे रही हूँ चना दाल। तो हम लोग 4 लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, फर्स्ट टाइम है ना, मैं ना थोड़ा डर डर के बना रही थी कि अब पता ज़्यादा हो जाए या अच्छा ना लगे। तो इसको ना मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्लैक नहीं करूँगी, मतलब एकदम मीडियम फ्लेम में मैं इसको पकाऊँगी, हल्का सा भूनूँगी। भुन जाने के बाद मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ये और एक चटनी बनाऊँगी मैं, इसमें मैंने ना ऑयल में मैंने दिया है अदरक और थोड़ा सा लहसुन, अनियन, सूखी मिर्च, और ये थोड़ा सा फ्राई जब हो जाए ना इसमें मैं दे दूँगी टमाटर, और टमाटर के साथ साथ मैं दे दूँगी थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। और इधर उसके बाद मैं देख रही हूँ ये हो गया है, और थोड़ा सा और पकेगा तो मैं गैस का फ्लेम एकदम कम करके तो 1-2 मिनट और पकाऊँगी। तो और इधर ना जो चना का दाल था वो ठंडा हो गया था, तो अभी मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। इसमें मैं दूँगी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही नींबू का रस, थोड़ा सा क्या बोलते इसको, नमक, और दूंगी मैं चीनी, क्योंकि मैंने खट्टा दिया है तो इसलिए बैलेंस के लिए मैं थोड़ा सा दूंगी चीनी। तो थोड़ा थोड़ा करके और स्वाद अनुसार आपको टेस्ट करके आप देख सकते हो क्या लगेगा या ना क्या नहीं। तो जब तक मैं वो चटनी है वो पीस रही थी, तब तक देख रही हूँ कि मेरा इडली हो गया है। मैं एक्साइटमेंट में ना ज़्यादा ही कर रही थी कि होगा या नहीं, निकलेगा या नहीं, या फूलेगा या नहीं। तो देख रही हूँ एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से हुआ है, मुझे एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना प्रॉपर होगा। तो इसमें मैं चटनी में अभी थोड़ा सा ना पानी दे के इसको पेस्ट कर लूँगी। और मम्मी जो को मैंने बोला था थोड़ा सा करी पत्ता लाने के लिए, तो बहुत सारा करी पत्ता लेकर आए हैं। और इधर वाइट वाला जो चटनी है वो हो गया है, और अभी मैं कर रही हूँ वो जो अनियन टमाटर का चटनी, ये थोड़ा सा तीखा होता है इसलिए मैंने सूखी मिर्च दिया है, तो थोड़ा सा तीखा तो होगा ही। और उसमें थोड़ा सा पानी दूंगी मैं, और ये पेस्ट भी बनके तैयार है चटनी। और ये चटनी बहुत ही यम सा हुआ था, और मैं ना वीडियो करना भूल गई जब ये तड़का डाल रही थी। तो तड़का में मैंने सिर्फ सरसों का तेल, कड़ी पत्ता, सूखी मिर्च, और उसको क्या बोलते हैं, सरसों, थोड़ा सा ज़्यादा करके सरसों दिया था, तो ये तड़का हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। ये मैंने छोंक डाल दिया, और ये देखिए मेरा जो इडली डिश है वो बनके तैयार है। और ये बहुत ही फ्लफी हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट हुआ था, और देखने में जैसा लग रहा है ना, विश्वास कीजिए खाने में उतना भी टेस्टी हुआ था। उसके बाद मैं घर गई, सुमन संडे था ना, तो सुमन थोड़ा लेट करके उठा था 8:30-9 बजे, तो वो उठ के अभी फ्रेश हो रहा था, तभी मैं सोचा चलो बेड ठीक कर लेती हूँ, सुबह का बेड ठीक होने से ना फ्रेश लगता है। तो घर का काम तो हो गया था, पोछा देना, ये सिर्फ बेड मैंने झाड़ना बाकी था। तो ये जो बेडशीट है ना, ये मैंने नया लिया है, और एक इसके साथ लिया था, तो मैं कोई किसी और दिन दिखाऊंगी। और ये जो कारपेट है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है, हल्का सा है और दिखने में भी अच्छा लगता है, कलरफुल। तो ये हो गया, और अभी मैं थोड़ा सा खुद को पैम्पर करूँगी, क्योंकि ना सुबह को उठना, इतना काम करना मेरा आदत नहीं है। ब्रेकफास्ट जो है मम्मी जी बनाते हैं, मैं नहीं, तो
अगर कुछ अच्छा हो, मतलब कुछ इस तरह सा डिश चाइनीज़ या फिर साउथ इंडियन डिश हो तो मैं बनाती हूँ। तो इधर मेरा बाल भीगा हुआ है तो मैं इसको झाड़ लूँगी अच्छे तरीके से। और सुबह उठ के ना मैं आज पानी नहीं पिया था तो अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी पीऊँगी। सुबह उठ के पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हर कोई करता है। तो आप लोग अगर नहीं करते हो, नहीं पीते हो, तो सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीजिए बैठ के आराम से, उसके बाद कोई काम। तो इधर मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी पीती हूँ, तो इधर पानी पीना हो गया, उसके बाद मैं बनाऊंगी। अभी ना अभी तो मैं ब्रेकफास्ट हो गया है तो अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी एक एक करके। और ये जो मनी प्लांट है ना आप लोग देख रहे हो, वो बहुत छोटा था तो ये मग में मैंने एक मेरा जो कॉफ़ी मग है ना उसमें मैंने लगाया था, तो बड़ा हो गया है अभी। और ये ब्रेकफास्ट का तैयारी चल रहा है अभी, मैं और मम्मी जी एक एक करके ला के रख रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल में खाना ना हम लोगों का बंद हो गया है। पहले खाती थी और अभी ना अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि नीचे बैठ के खाना मैं खाती हूँ, घर सुन नहीं खाता है, बोलते नहीं उधर नहीं खाऊंगी, नीचे रूम में लेके आओ। तो वो आप लोग जो देख रहे हो ना ब्लैक कलर का, वो एक साउंड है, साउंड रिकॉर्डर वो नया लाया है, होम थिएटर जैसा होता है ना वो वाला, तो वो दिन रात वही बजा रहे जोर जोर साउंड देके। और ये देखिए इडली बन के तैयार है, बहुत ही फ्लफी एकदम सॉफ्ट बना था। तो मम्मी जी, हम, मैं और सुमन तीन एक साथ बैठी हूँ। मम्मी जी नीचे तो नहीं बैठ सकते ना, तो इसलिए चेयर में है। और ये देखो चटनी बहुत ही टेस्टी हुआ था, बहुत ही। और ये रेड वाला जो चटनी है ना ये भी बहुत ही टेस्टी हुआ था, तो बहुत ही अच्छा हुआ खाने में। तो एक दिन आप लोग देख सकते हो मेरा एक्साइटमेंट, सुमन जब बोला कि बहुत ही अच्छा हुआ है, मम्मी जी भी बोला बहुत अच्छा हुआ है, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सुमन तभी बोल रहा है कि तुमने फ़ोटो नहीं उठाया, तो मैंने सोचा हाँ यूट्यूब के लिए मैंने फ़ोटो नहीं उठाया, तो वो मोबाइल लेके अभी फ़ोटो उठाएगा। और हम लोगों ना व्हाट्सएप में एक ग्रुप है फैमिली, हम लोग पूरा फैमिली है उसमें, तो उसमें कोई भी अच्छा चीज़ हो, मतलब कोई खाना या फिर कहीं जाना या फिर कोई भी चीज़, गुड मॉर्निंग गुड नाइट जैसे भी हो, हम लोग वो उसमें सेंड करते हैं। तो स्पेशली सुमन उसके लिए कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो तुम भी कर लो और मैं भी एक उठा लूँगी यूट्यूब के लिए। मेरा जो ये उठा रहा है अभी, और मम्मी जी ना मुझे इधर पूछ रहा है कि ये तुम चटनी किस तरह से बनाए हो, तो मैं उस मम्मी को बोल रही हूँ कि क्या क्या दिया था मैंने, क्योंकि मम्मी को बहुत ही अच्छा हुआ खाने में, अच्छा लगा मम्मी जी को, पापा भी बोल रहे थे बहुत अच्छा हुआ, एकदम साउथ इंडियन खाना जैसे ही लग रहा है प्रॉपर। तो इधर मैं देख रही हूँ फ़ोटो कुछ अच्छे तरीके से उठाया या नहीं, और एक इसके बाद मैंने और एक उठाया। और ये देखिए ये गाय रोज आता है, तो मम्मी सुमन मम्मी जी को पूछ रहा है कि रोटी है या नहीं, तो आज तो रोटी नहीं बनाया था क्योंकि सुबह इडली ब्रेकफास्ट में हुआ था, तो हम लोग सभी तो इडली खाया, तो आज रोटी नहीं था। तो सुमन इसको ये पत्ता गोभी आलू ये सब ला के दे रहा है। एक्चुअली ना सुमन को गाय कुत्ता कुछ भी हो ना, मतलब ये सब बहुत पसंद है, उन लोगों को प्यार करता है बहुत। तो मैंने उसका अगस्त में ना बर्थडे है, तो मैंने उसको बोला कि तुमको कुछ एक गिफ्ट दूंगी इस तरह से। और ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया था, एक बज रहा था तब मेरा खाना, मैं चिकन बना रही थी तो उसका मैं कोई वीडियो नहीं दिया। और इधर ना मैं घर बंद करके लाइट ऑफ करके एकदम अंधेरे में एक डेढ़ घंटा मैं अभी रेस्ट करूँगी, एसी चला लिया क्योंकि बहुत गर्मी था, मॉनसून का टाइम है फिर भी इतना गर्मी है ना हम लोग के इधर, क्या बताऊँ। तो बाल दो तीन बार करके भीग गया था, तो इधर मैं घर पूरा अंधेरा कर दिया, फिर से मैं पानी पीऊँगी, विंडो का जो पर्दा है वो भी मैंने पूरा टान दिया है। और सुमन अभी बाहर गया है थोड़ा सा काम के लिए, संडे भी उसका कोई शांति नहीं है, छुट्टी नहीं होता है, तो ऑफिस का काम नहीं घर का कुछ काम के लिए वो बाहर गया था। तो मैंने सोचा चलो एक घंटा रेस्ट कर लूँ, सुबह से बहुत काम हुआ है। तो आज का वीडियो यही है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।